नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बोध कथा, जिसका शीर्षक है घमंड और इसकी रचयिता है तारावती सैनी नीरज। एक राजा को अपने ऊपर अत्यधिक घमंड था। एक दिन उसके घमंड की बातें सुन एक भिखारी उस राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से बोला, हे राजन, मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। घमंडी राजा उसकी बात सुन अट्ठास भरी हंसी हंसा और बोला, तू एक भिखारी मुझे हराना चाहता है? देखो, दरबार में बैठे सभी लोग राजा के साथ जोर जोर से उस पर हंसने लगे। राजा बोला, बोल, तू मुझे किस बात में हराना चाहता है? मुझे तेरी हर बात मंजूर है। एक भिखारी बोला, ठीक है महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 7 घंटे भूखे प्यासे रहें। राजा बोला, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन राजा से 7 घंटे तो छोड़ो, कुछ घंटे भी भूखा प्यासा नहीं रहा गया। प्यास से उसका गला तड़कने लगा और भूख से सिकुड़ने। आखिर राजा ने हार मान ली। भिखारी बोला, बस महाराज, हो गया, हार गए आप तो। आपको पता है महाराज, मैं 7 दिनों से भूखा प्यासा हूँ। यह सुन राजा स्तब्ध रह गया और कुछ देर बाद बोला, तुमने मुझे हराया है, इसलिए मैं तुम्हें जीत के तौर पर इस राजमहल में जीवन पर्यंत रहने का उपहार देता हूँ। भिखारी बोला, महाराज क्षमा करें, मुझे आपका कोई उपहार नहीं चाहिए। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, घमंड करना अच्छी बात नहीं। महाराज, अपना झूठा घमंड त्याग दीजिए और अपनी प्रजा के दुख दर्दों को देखिए, वे किस हाल में जी रहे हैं। यह सुनकर राजा की पलकें शर्मिंदगी से झुक गई और उस दिन के बाद उस राजा ने अपना घमंड त्याग समस्त जीवन अपनी प्रजा की भलाई में लगा दिया।